है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम बहुत ही हैवी फीट की डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। आप ब्राइडल फीट डिज़ाइन भी से कह सकते हो गाइस। तो सबसे पहले तो हमें बॉर्डर लाइन को बनाना है। हमेशा मैंने आप लोगों के साथ फीट की डिज़ाइन में शेयर किया है कि आपको सबसे पहले तो बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर देना है गाइस। देन बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल हम फीट की डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों को सिखाई है गाइज। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अब से हम बहुत ही अट्रैक्टिव और हैवी डिज़ाइन हम सीखने वाले हैं जिसे बिगनर्स आर्टिस्ट भी लगा सकते। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम मेहंदी सीखने वाले। तो हमने यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल सा हमारा फ्लावर क्रिएट कर दिया है। आप चाहो तो हिबिस्कस, रोजी, सनफ्लावर, जो मर्जी अपना फेवरेट आप फ्लावर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पैटर्न को चेंज मत करिएगा। पैटर्न एक्सीलेंट है गाइस। सो अब यहाँ पे मैंने बीच में जो है लीव्स की विंग्स को पहले से ही निकाल दिया जहाँ पर हम हमारे एंड अप लीव्स को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो है हमने क्रिएट कर दिए हमारे ब्यूटीफुल सी शेडिंग। शेडिंग आपको विजिबिलिटी के साथ ही क्रिएट करनी है, चाहे फीट में आप बना रहे हो डिज़ाइन या आप हैंड्स में डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, आपको बहुत खूबसूरती से बनानी होती है गाइस। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी हमारी फीट की डिज़ाइन में शेयर किया है कि आप चाहो तो पहले पूरी फीट की डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो या फिर दोनों डिज़ाइन आप साथ में भी क्रिएट कर सकते हो। सेम जो हमारे हीरो एलिमेंट्स होते हैं ना गाइज, उसे आप मेजरमेंट के तरीके से पहले क्रिएट कर सकते हो, चाहे पहले लेफ्ट लेग्स को क्रिएट कर रहे हो या फिर आप राइट को क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारी डिज़ाइन है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको जो है डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से मैं बता पाऊँ। तो अब जो हमने ये फ्लावर का एक बेल्ट बनाया ना, उसमें सपोर्टिव एलिमेंट्स की मदद से हम एक और ब्रॉड सा थोड़ा सा बेल्ट क्रिएट करेंगे ताकि ये अट्रैक्टिव और हैवी नज़र आए, बिकॉज हम ब्राइडल फिट लगा रहे हैं गाइस, वो भी थोड़े वेस्टर्न फॉर्म के साथ, तो क्या ये बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैंने स्पाइरल, लीव्स, हार्ट शेप सब कुछ जो है वो इस बेल्ट में मैंने क्रिएट कर दिया है गाइस। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा ये। देन हमने यहाँ पे कर्व को क्रिएट कर दिया है एंड कर्व को क्रिएट करके इसमें थोड़ी सी बॉर्डर लाइन का टच दिया है। ये एक ब्यूटीफुल सा एलिमेंट है जिसे आप अपने डिजाइंस में, अपने बंचेस में भी ऐड कर सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, एलिगेंट, अट्रैक्टिव लग रहा है ना ये। सो यहाँ पे हमने एंड अप लीव वापस के क्रिएट किए बिकॉज इससे ज़्यादा ब्रॉड हमें बेल्ट नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ब्रॉड बेल्ट हो जाएगा तो ऑड नज़र आएगा। सो यू कैन सी बन चुकी है हमारी बेल्ट की डिज़ाइन। तो अब सेंटर पार्ट में क्रिएट करेंगे ब्यूटीफुल सा मेरा फेवरेट वाला रोज, माई ऑल टाइम फेवरेट रोज है ये। इसकी साइज मैंने ज़रूर से छोटी रखी है बिकॉज मैं मुझे यहाँ पे जो है वो तीन फ्लावर का बंच क्रिएट करना है। अब लीव्स क्रिएट कर देंगे। ऑफकोर्स ये हमारा जो फ्लावर है वो खाली खाली रहता है, एम्बोस टच में रहता है, तो इसके आजू बाजू अगर आप बोल्ड लीव्स क्रिएट करोगे तो आपकी डिज़ाइन एक्सीलेंट फेब्यूलर्स नज़र आएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं बंच को क्रिएट कर रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल वे में हमें यहाँ पे क्रिएट कर देना है इस तरीके से गाइस। बंच बनाना है, बंच में आप अपनी मर्जी से कोई से भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं आपको कह रही हूँ पैटर्न बिल्कुल चेंज मत करेगा, पैटर्न एक्सीलेंट है गाइस। सो देख सकते हो सारे लीव्स के एजेस भी बोल्ड कर दिए मैंने यहाँ पे ताकि वो बोल्ड नज़र आए, लेकिन इसमें हम शेडिंग क्रिएट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे जो लीव्स है वो लाइट तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अगर आप क्रॉप लीव्स बनाना चाहते हो तो ऑफकोर्स क्रॉप लीव्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो हमारी बॉर्डर लाइन थी उसके साथ हमारे बंच को अटैच कर दिया। देन यहाँ मैं लाइन्स को क्रिएट कर रही हूँ। अब नॉर्मल से चेक्सिस को आपको क्रिएट कर देना है, तो मैं बताती हूँ नॉर्मल चेक्सिस मैंने क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर ऊपर में ऑपोजिट साइड इस तरीके से मैं चेक्स को क्रिएट कर रही हूँ। अगर ये चेक्स की डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो सादियस है ना चेक्सिस वीडियो आप सर्च करके डेफिनेटली आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रही है, लेकिन आप यहाँ पे इजीली ये चेक्स की डिज़ाइन सीख सकते हो गाइस। जो हमारे वाई वाले ज्योमेट्रिकल चेक्स थे ना, उसका ये डिफरेंट वेरिएशन है जो मैंने यहाँ पे ऑपोजिट साइड में क्रिएट किया। आपको एक जो लाइन है उसे सेम वे में क्रिएट करना है, देन नीचे की लाइन्स को आपको ऑपोजिट वे में क्रिएट करना है, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे इस तरीके से लाइन्स को क्रिएट कर देने। सी गाइज,
है ना, बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन। फटाफट से अब हम इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे इसी तरीके से। बहुत अट्रैक्टिव एलिगेंट ज्योमेट्रिकल नज़र आ रहे हैं और सारा जो हीरो पार्ट है हमारा इसी डिज़ाइन का है गाइस। सो गाइस अब जो है ये सारे जो बॉक्सेस है ना उसे फिल कर देने हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से हमारी फिनिशिंग लाइंस को दे देना है। सो यू कैन सी एवरीवन, इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आ रही हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करिएगा गाइस। जो लोग भी मेहंदी सीखना चाहते हो, फ्री में सीखना चाहते हो, तो वो मेरी चैनल पे इजीली सीख सकते हो। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो है वो डिज़ाइन रिलेटेड क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को डिज़ाइन रिलेटेड क्लासेस चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से फटाफट से शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। सो अब देखिएगा गाइस, अब हम यहाँ पे सारे फ्लावर में शेडिंग क्रिएट कर देंगे और शेडिंग क्रिएट करने के बाद भी अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन आपको अगर डिज़ाइन में बोर्ड वाले लीव्स है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स वो भी बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। अब आपने नोटिस किया गाइस कि मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पर ही हमारी बॉर्डर लाइन को क्रिएट किया है, मैंने राइट साइड की बॉर्डर लाइन क्रिएट नहीं किए, बिकॉज हम राइट हैंड से जब मेहंदी क्रिएट करते हैं ना तो आप देख सकते हो कि हम जब मेहंदी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जब हम मेहंदी बॉर्डर लाइन ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर देंगे ना तो वो स्प्रेड हो जाएगी। इससे पहले वन साइड की बॉर्डर लाइन देख सकते हो मैंने क्रिएट कर दी है, देन यहाँ की बॉर्डर लाइन क्रिएट नहीं किए गाइस मैंने। अब यहाँ की बॉर्डर लाइन में क्रिएट कर चुकी बिकॉज अब हमें डिज़ाइन को एंड करना है, तो यहाँ पे वापस से एक ब्यूटीफुल सा फिलर एलिमेंट का स्ट्रक्चर लेंगे। पहले मैंने आपको दिखाया कि मैंने जो सारे हीरो एलिमेंट है वो दूसरी जो फिट की डिज़ाइन है उसमें भी ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है अब आप देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो गाइस ऐसा हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो ब्यूटीफुल नज़र आए, बिकॉज पूरे डिज़ाइन में अभी तक हमने फिलर एलिमेंट तो लिया ही नहीं है, फिलर एलिमेंट के बिना डिज़ाइन इनकम्प्लीट लगती है। एक बार के लिए आप चेक्स को ज़रूर से स्किप कर सकते हो, लेकिन फिलर एलिमेंट को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। सो इस तरीके से डॉट लेयर वाले हॉम्स क्रिएट करेंगे गाइस। थोड़ा सा जो है यहाँ पे बंच एक्सटेंड किया है मैंने, अब डिज़ाइन को एंड करनी है तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और स्ट्रक्चर को हम एंड कहाँ करें तो इसके लिए हम छोटा सा क्यूट सा बंच क्रिएट करेंगे। ये टिप है गाइस आप लोगों के लिए कि अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है और उसका कोई बेस नहीं है तो आप उसके एंड पे इस तरीके से बेस बना सकते हो। हम कुछ भी कर सकते हैं गाइस, लेकिन डिज़ाइन का रूल है कि डिज़ाइन अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल ही लगनी चाहिए और लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ होनी चाहिए। देख सकते हो ना हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा एंड भी हो चुका है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हम फिलर एलिमेंट फिल कर देंगे। अगेन आप चाहो तो डिफरेंट फिलर एलिमेंट फिल करो, आप चाहो तो सेम फिलर एलिमेंट फिल करो, इट्स ऑल अप टू यू। सो यहाँ पे मैं डॉट लेयर वाले हम्स को ही क्रिएट करूँगी और आप देख सकते हो डिज़ाइन बनने पे कितनी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल और वेस्टर्न लग रही है गाइस। अब ये जब हमारी फिंगर कंप्लीट हो जाएगी ना तो और अट्रैक्टिव लगेगी। इसी के साथ हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।